सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इंसान धन बर्बाद करने से केवल निर्धन होता है और समय बर्बाद करने से सब कुछ खो देता है। आज का पंचांग 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:12 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:17 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, आपको अपने दादाजी जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। अपने मनोरंजन के स्रोत खोजें ताकि जुए या पैसे बर्बाद करने से बचें। आप अभी रचनात्मक महसूस कर रहे हैं, अगर मौका मिले तो प्रकृति में बाहर निकलें और अपनी आध्यात्मिक साइड से जुड़ें। नए निर्णय लेने के लिए पूरे दिनों में आज के दिन सबसे बेहतरीन है। जल्दबाजी में आप अपने स्वयं को या आसपास को बदलना चाहेंगे। बाहरी संसार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे तब बदल सकते हैं। खुशियां मनाने का समय है। आपकी किसी करीबी की शादी है, इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। अपनी मेहनत और कार्य क्षमता बनाए रखें। किसी विशेष कार्य में आपको उचित सफलता मिलेगी, साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कोई बड़ा निवेश भी करने के लिए समय उत्तम है, भविष्य में उचित लाभ देकर जाएगा। दिन की शुरुआत से ही मानसिक परेशानी रहेगी, लेकिन चिंता जैसा कोई कारण नहीं होगा। परिवार के साथ कई बातचीत के कारण तनाव महसूस हो रहा है, इस हालात को नकारात्मक ना समझें। एक दूसरे के विचारों को समझने में वक्त लग रहा है। भविष्य में बातें ठीक होती हुई नजर आ रही है। आज कम समय में ज्यादा काम करने की जरूरत हो सकती है। लव रिलेशनशिप संबंधित महसूस होने वाली नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दें। पेट दर्द की वजह से बेचैनी महसूस होती रहेगी। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। अपना नजरिया दूसरों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि न सिर्फ यह आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होंगे, बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर सकता है। आज आप अपने किसी सौदे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाएगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। दीर्घवती में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, जो कि वाद विवाद का रूप भी ले सकता है। सावधानियां, घर परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। गुस्से या आवेश की बजाय धैर्य व शांति से समस्या का समाधान निकालें। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से भी व्यक्तिगत दिक्कतें बढ़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। दोस्तों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप खुशी प्रदान करेगा। रिश्ते में जरूरत पड़े तो डिप्लोमेट होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिश्ते न केवल जुड़ते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं।
दिल के अचानक टूटने से आप निराश होंगे, लेकिन आपके आकर्षण से कोई खास आपसे प्रभावित हो सकता है। कभी कभी सपने की दुनिया में रहना स्वर्ग जैसा एहसास दिलाता है। आज अपनी लव स्टोरी के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरी दुनिया को भूलकर किसी खास के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। दूरियों को मिटाकर नए अध्याय की शुरुआत करें। याद रखें, आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार ले आएगी। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से, जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आज कुछ प्रमुख वेव के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्च पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है, और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे, उन्हें पूरा करने का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठें और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। अपने कौशल और मेहनत पर विश्वास रखें, व नए अवसरों का पूरा फायदा उठाएं। जहां जरूरत पड़े वहां डिप्लोमेट बनने से भी पीछे ना हटें। अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन करना सफलता प्रदान करता है, जबकि लॉटरी, स्टॉक्स या जुआ आपको अलग दिशा में ले जा सकते हैं। नए प्रयासों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह समय बेहतरीन है। अपने कार्य के प्रति आज आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। अपने सहकर्मियों की तारीफ करें और अपने सीनियर से बातचीत बढ़ाएं, ताकि आपको नए मौके मिले और कार्य में भी आसानी हो। सपना देखें और पूरी शक्ति लगाकर उसे पूरा करें। जीत आपको ही मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जरूरी योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी कई परेशानियों का हल मिलेगा। कानूनी मामले सुलझाने में अभी समय लगेगा। बात करते हैं सेहत की। गुस्से और उत्तेजना पर काबू रखें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। पेट दर्द की तकलीफ से बेचैनी भी महसूस हो सकती है, ध्यान रखें। आज के दिन अपने साथ बहुत सी सकारात्मक भावनाएं भी लाएगा और कईयों का स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा। मानसिक रूप से खुश होने के कारण आप अच्छी सेहत का आनंद भी ले पाएंगे। हालांकि आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।